हाँ मैं ही वो किलर हूँ जिसने उन दोनों महिलाओं की हत्या करी मैंने सेक्स के लिए कहा तो उसने मुझे गाली देकर मना कर दिया मुझे गुस्सा आया और मैंने दोनों का कत्ल कर दिया तीसरी भी अगर ऐसा ही करती तो उसे भी मार देता ये कबूलनामा था उस सीरियल किलर का जिसने पुलिस और साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के सामने दो महिलाओं के सेक्स के लिए हत्या करने की बात को कबूल किया था ऐसा किलर था जिसने दो कत्ल के बाद तीसरे कत्ल की पूरी तैयारी कर ली थी मगर इससे पहले कि कत्ल को अंजाम दे पाता पुलिस के हाथ इस कातिल के गिरेबान तक जा पहुंचे खतरनाक था जिसे पकड़ने में पुलिस को चार साल लग गए तो आज बात करेंगे इसी सीरियल किलर के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे ये पकड़ा गया कैसे ये कत्ल को अंजाम देता था पुलिस को कैसे इसके बारे में पता चला सीरियल किलर कैसे पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा क्यों महिलाएं टारगेट होती थीं और साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद से कैसे पुलिस ने इस केस को सुलझाया मगर इस केस में एक चौंकाने वाली बात भी आपको बताएंगे मगर वो वीडियो के आखिर में आपको पता चलेगी इसलिए आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और आज इस वीडियो में गुजरात के वलसाड से पकड़े गए सीरियल किलर के बारे में भी बात करेंगे पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में बताइएगा आपको जो भी कहना है कमेंट करिएगा अगली वीडियो में फिर आपके उन सवालों पर भी बात करेंगे नमस्कार मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक तो बात करते हैं दो केस के बारे में पहला पैतीस साल के अनुपम बाई और दूसरा छप्पन साल की गौरी बाई की हत्या के बारे में जिनकी हत्या की थी इस सीरियल किलर ने तो पहले बात पहले केस की यानी पैंतीस साल की अनुपम बाई के कत्ल के बारे में शुक्रवार मई 2020 को रामायण पटेल ने लवन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी भतीजी अनुपम बाई जिसकी उम्र 35 साल है उसकी लाश भालुकोना गांव के पास महानदी किनारे पेड़ पर लटकी हुई मिली है घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि महिला के कपड़े बिखरे हुए थे और सिर पर एक गंभीर चोट का निशान था इस केस में पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे पता चल सके कि आखिर कातिल है कौन मामला जो है पुलिस तफ्तीश करी पुलिस ने लेकिन मामला आखिर में ठंडे बस्ते में चला गया मगर इस घटना के तीन साल के बाद एक और वारदात हुई उसी गांव के पास 13 मार्च 2023 को दूसरा कत्ल होता है गांव के ही किशन यादव ने लवड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव के पनखट्टी तालाब के पास गौरीबाई जिसकी उम्र छप्पन साल है उसकी लाश मिली है पुलिस जब स्पॉट पर पहुंची मौका वारदात पर पहुंची तो पाया कि महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे लाश से और घसीटने के निशान मिले पास ही लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा भी बरामद किया गया छत्तीसगढ़ के बाजार जिले के भालुकोना गांव में दोनों हत्याएं गांव के आउटर में हुई थी मर्डर पैटर्न भी एक ही तरह का था लेकिन हत्यारे का कोई सुराग पुलिस के पास नहीं था रसल, तेजराम गांव में ही अपने दोस्तों के साथ शराब पीने बैठा था उसी वक्त उसने नशे में अपने साथ बैठे लोगों को इशारे से ये बताया कि उसे महिलाओं के साथ संबंध बनाने का शौक़ है और सेक्स की डिमांड पूरी नहीं होने पर उसी ने दोनों महिलाओं की हत्या की ये बात कातिल ने नशे की हालत में अपने शराबी दोस्तों को बता दी थी इसके बाद मुखबिर से पुलिस को जानकारी मिलती है जानकारी मिलने के बाद ये तो पता चल गया था कि मर्डर करने वाला सीरियल किलर तेजाराम ही है लेकिन आरोपी से जानकारी निकालना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी बारह बार पुलिस तेजराम को पकड़कर थाने लेकर आई लेकिन हर बार वो इशारों से बोलकर और सुन पाने की और ना सुन पाने की वजह से पुलिस को गुमराह करता रहा इस तरह तेजराम पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता रहा बारह बार पुलिस ने उसे थाने बुलाया फिर भी कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था और उससे ऐसा लग रहा था कि पुलिस उसे अब पकड़ नहीं पाएगी पुलिस भी उसे कुछ उगलवा नहीं पा रही थी पुलिस अब तक ये मानकर चल रही थी कि तेजराम बोल और सुन नहीं सकता है ऐसे में उससे पूछताछ करना काफ़ी परेशानी भरा और मुश्किल साबित हो रहा था इसलिए पुलिस ने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद ली और रायपुर से एक्सपर्ट राकेश सिंह ठाकुर जो है साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट उनको बुलाया पुलिस ये मानकर चल रही थी कि तेजराम जो है बोल सुन नहीं सकता है इसलिए पूछताछ के लिए जब भी थाने लेकर आती पुलिस उसे कई बातें पुलिस वाले और उसके सामने करते थे जिसे सुनकर हर बार वो चकमा दे रहा था और ना सुन पाने की एक्टिंग करते हुए गुमराह करता रहा बार बार पुलिस को चकमा देने की वजह से वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के सामने भी वो नहीं सुन पाने की ही एक्टिंग करता रहा लेकिन जब उसका झूठ पकड़ा गया तब उसने ये कबूला कि वो सब सुन सकता है देख सकता है और वो सिर्फ पुलिस को चकमा दे रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग कर एक्सप्रेशन देखे गए और साइकोलॉजिकल तरीके से इस केस को सुलझाया गया झूठ पकड़े जाने के बाद तेजराम का कॉन्फिडेंस कम हो गया था जबकि पुलिस अब उससे और उसके किए गए गुनाह की पूछताछ करना चाहती थी तेजराम के बारे में पुलिस को ये पता था कि वो पढ़ लिख नहीं सकता है लेकिन जैसे ही उसके सामने मरने वाली महिलाओं के नाम लिखे गए वैसे ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन फौरन बदल गया जिसे देखकर एक्सपर्ट ने बताया कि तेजराम में सुनने की क्षमता तो है ही साथ ही वो कम से कम मिडिल स्कूल की पढ़ाई भी करा हुआ है क्योंकि जैसे ही नाम उसके सामने लिखकर रखे गए उसके चेहरे का एक्सप्रेशन फौरन बदल चुका था क्योंकि मरहूम महिलाओं के अलावा कुछ ऐसे शब्द भी लिखे गए जिनकी पहचान केवल मिडिल स्कूल तक पढ़ाई किया हुआ शख्स ही पहचान सकता था सवाल जवाब से लेकर तेज के फेस एक्सप्रेशन की भी वीडियोग्राफी कराई गई ताकि कोर्ट में पुलिस सबूतों के साथ उससे पेश कर सके और ये शख्स पुलिस की गिरफ्त से छूट ना पाए बहरहाल पहले केस के बारे में अगर बात करें तो महिला अपने पति को छोड़कर गांव के ही आउटर में अपनी मां के साथ रहती थी केस फाइल में इस बात का जिक्र है कि महिला और तेज राम के बीच पहले से ही अवैध संबंध थे एक बार महिला प्रेग्नेंट भी हुई थी और फिर बदनामी के डर से परिवार वालों ने उसका अबॉर्शन करा दिया था इस घटना के बाद से ही उसने तेजराम से मिलना बंद कर दिया था परेशान होकर क्योंकि तेजराम के अंदर सेक्स की बहुत ज्यादा हवस थी उसे सेक्स करने की बहुत ज्यादा लत थी इसी चीज से परेशान होकर तेजराम महिला का पीछा करता था उनतीस मई 2020 को भी गांव के आउटर में महिला अकेले पाकर महिला को अकेले पाकर उसने महिला से संबंध बनाने की बात कही जब महिला ने मना किया उसे गाली देकर धक्का दिया तब गुस्से में आकर तेजराम ने उसका कत्ल कर दिया मामले की पड़ताल के लिए पुलिस तेजराम को घटनास्थल पर ले गई तब उसने इशारे से पुलिस को बताया कि उसने सिर पर मोटी लकड़ी मारकर कत्ल किया और कपड़ा लाकर उसकी लाश पेड़ से लटका दी ताकि किसी को शक ना हो कत्ल की वजह तेजराम ने सेक्स की डिमांड को ही बताया अब दूसरे केस के अगर बारे में बात करें यानी कि अनुपमबाई की हत्या करने के बारे में बात की जाए तो अनुपम बाई की हत्या करने के बाद जब पुलिस तेजराम को नहीं पकड़ पाई तब उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया ऐसे में वो गांव की ऐसी महिलाओं की तलाश में जुट गया जो अकेली हो इसलिए 13 मार्च 2023 को विधवा गौरी बाई के पास अचानक पहुंचकर सेक्स की डिमांड करने लगा लेकिन गौरी ने मना करते हुए उसे वहां से भगाने की कोशिश की जिसके बाद पहले उसने गौरी को पकड़कर उसका गला दबाया फिर पास बड़े पत्थर से उसने गौरी का सिर कुचलकर उसका कत्ल कर दिया पहला गुना कबूल करने के बाद दूसरे घटनास्थल पर पुलिस जैसे ही उसे ले जाती है तेजराम पुलिस को तालाब की ओर ले गया और बताया कि महिला को मारने के बाद पत्थर उसने इसी तालाब में फेंका था आरोपी ने जो जगह बताई पुलिस को उसी जगह पर वो बड़ा सा पत्थर भी मिल गया था अब दोनों कत्ल का खुलासा होने के बाद पुलिस उसके एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए जैसे ही ये खुलासे हुए और फिर किसी साइको किलर की तरह पुलिस के सामने इशारे से बार बार ये दावा करता रहा कि दोनों खून उसी ने किए हैं ये सारी चीज़ें जब पुलिस साइकोलॉजिकल तरीके से केस को हैंडल कर रही थी तो अलग ही तरीके से आता लेकिन जब पूरी मदद ली गई तो ये केस पूरा का पूरा खुलता चला गया बोल नहीं पाने की वजह से बचपन से ही आरोपी तेजराम पटेल का लोग मजाक उड़ाया करते थे शादी की उम्र होने के बाद भी कोई लड़की उससे शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी ऐसे में तेजराम ने विधवा या अकेली रहने वाली महिलाओं को ही टारगेट करना शुरू किया जब तक महिलाओं से महिला से उसकी सेक्स डिमांड पूरी होती तब तक वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता था मगर जिस दिन महिला इनकार कर देती तो इनकार करने पर मर्डर कर देता था पुलिस से हुई पूछताछ में उसने ये भी बताया कि इस वक्त गांव की एक और विधवा महिला उसकी तीसरी टारगेट थी अगर वो भी सेक्स से इनकार कर दी तो उसकी भी मौत पक्की थी हालांकि साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद से मामला सुलझाकर पुलिस ने तीसरी मौत होने से पहले ही कातिल को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया मगर अब बात करते हैं आपसे गुजरात के वलसाट से पकड़े गए सीरियल किलर के बारे में दरअसल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लंगड़ा कर चलते इस शख्स को ढूंढने के लिए गुजरात को करीब 5000 सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें दस अलग अलग पुलिस की टीमें चार चार राज्यों की पुलिस और देश भर के जेलों में बंद कैदियों की लंबी चौड़ी लिस्ट खंगालनी पड़ी थी गुजरात पुलिस को दरअसल ये कोई मामूली शख्स नहीं है ये वो कातिल है जो अलग अलग ट्रेनों के सिर्फ उन्हीं कोच या डिब्बों में बैठी महिलाओं को अपना शिकार बनाता था जो कोच या डिब्बे दिव्यांगों के लिए रिजर्व होते थे ये शायद देश का इकलौता ऐसा किलर सीरियल किलर है जिसने चलती ट्रेन में खुद के लंगड़ा कर चलने की वजह से ऐसा चार महिलाओं के साथ जबरदस्ती कर फिर उनका कत्ल किया जो इसकी जैसी थी सिवाय एक कत्ल के ये गुजरात के वलसाड़ जिले का उदवाड़ा रेलवे स्टेशन है रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर दूर इस वक्त पुलिस की ये भारी भरकम टीम उसी को लेकर मौका वारदात का मुआयना कर रही है चौदह तो नवंबर को करीब कॉलेज में सेकेंड ईयर की एक स्टूडेंट का घर था रोजा कॉलेज आने जाने, जाने, जाने रोजाना कॉलेज आने जाने का उसका रूट यही था क्योंकि घर के घर जो था रेलवे फाटक से करीब था तो वो स्टेशन के किनारे किनारे रेलवे ट्रैक से होकर ही घर आती जाती थी लेकिन 14 नवंबर को रोज़ाना की तरह तय वक्त पर जो वो जब वो घर नहीं पहुंची, तो घर वालों की घर वालों को फिक्र हुई क्योंकि कॉलेज से घर का जो रूट था घर वालों जो है उससे वाकिफ़ थे इसलिए परेशान घर वाले उसी रूट पर उसकी तलाश शुरू करते हैं तलाश करते हुए जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से करीब सौ मीटर दूर पहुंचे उन्हें वहाँ एक लड़की की लाश नजर आई वो वहीं पर वो वही थी जो उनकी बेटी थी फौरन पुलिस को खबर दी गई पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी मौके पर लड़की की लाश की हालत देखते ही अंदाजा हो जाता है कि कतल से पहले इसके साथ किसी ने जबरदस्ती की थी मौके पर लड़की की लाश और उसके बैग के अलावा पुलिस को दो अजीब चीजें मिलती हैं एक सफेद स्वेटशर्ट और दूसरा एक बैग बैकपैक के अंदर तीन जर्सी और दो हाफ पैंट के अलावा मोबाइल चार्जर था बैकपैक और उसमें रखे सामान को देखते हुए यह अंदाजा हो चुका था कि कातिल जो भी है वो लोकल नहीं है बल्कि वो शे, नया शे, वो शहर शे, में या तो नया आया है था या फिर वारदात के बाद उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन पकड़कर भाग गया होगा पुलिस की जांच के सेंटर में अब यही उदवाड़ा रेलवे स्टेशन था लेकिन पुलिस को पहला धक्का तब लगा जब पता चला कि स्टेशन पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी भी जगह है जो पब्लिक प्लेस है और वहाँ पे कैमरा नहीं है बहरहाल अब ऐसे में कैसे पता चल पाए कि कातिल यहाँ से कब और किस ट्रेन में बैठकर किधर गया है बिना किसी क्लू के कातिल को ढूंढना मुश्किल था पर गुजरात पुलिस को इतना यकीन तो था कि वारदात के बाद वो शातिर ट्रेन से ही यहाँ से भागा है और वारदात से पहले वो किसी ट्रेन से ही उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा था बस इसी यकीन के चलते और इसी एक हिंट के चलते अब पुलिस ने उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से पीछे और आगे के हर एक रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का फैसला किया आनंद फानन में इसके लिए दस टीमें बनाई गई हर टीम को उदवाड़ा के आगे और पहले के तमाम स्टेशनों पर लगे कैमरे को खंगालने की जिम्मेदारी सौंपी गई कोशिश रंगलाई और उदवाड़ा के एक स्टेशन पहले एक सीसीटीवी कैमरा मिला और ये उसी कैमरे की तस्वीर है इसमें शख्स लंगड़ाता हुआ चल रहा है ख़ास बात यह कि उसने ठीक वही सफ़ेद स्वेटशर्ट पहन रखी थी जो मौका वारदात पर मिली थी और वही काला बैग उसकी पीठ पर था सीसीटीवी कैमरे से ही पता चला कि वो वहां से बांद्रा मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में सवार हुआ अब यहां तक तो कामयाबी पुलिस के हाथ लग चुकी थी लेकिन इसके आगे क्या इसके आगे उसे कैसे ढूंढा जाए तो बात तो अब पुलिस ने मुंबई तक के रूट पर जितने भी रेलवे स्टेशन थे उन सब के सीसीटीवी को खंगालने का फैसला किया इसी दौरान वो वापी स्टेशन पर नजर आया अब वापी से मुंबई सेंट्रल स्टेशन तक के हर स्टेशन की सीसीटीवी तस्वीरें बारीकी से पुलिस ने खंगाली और आखिरकार वही शख्स मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया लेकिन इसके बाद वो कहीं नजर नहीं आया अब एक बार फिर पुलिस के हाथ खाली थे इस दौरान पुलिस की एक टीम ने गुजरात के अलग अलग तमाम जेलों में बंद या हाल में रिहा हुए कैदियों की तस्वीरों के रिकॉर्ड के साथ उसकी तस्वीरों की मिलन करना शुरू किया लेकिन किसी अपराध से उसकी त... अपराधी से किसी उसकी तस्वीर मैच नहीं हुई अब गुजरात पुलिस ने गुजरात के बाहर अलग अलग राज्यों की जेलों में बंद कैदियों के नेशनल डेटाबेस से उसकी तस्वीरों का मैच करना शुरू किया और ये कामयाबी यहाँ पे पुलिस को मिल जाती है इस कोशिश में और आखिरकार एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिलने के बाद राजस्थान के जोधपुर जिले से इसी साल मई में जमानत पर रिहा हुए एक कैदी से सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए इस शख्स का हुलिया हु मिल जाता है तब पहली बार पता चलता है कि इसका नाम राहुल करमवीर जट है हरियाणा के रोहतक जिले के जिले का रहने वाला राहुल पर दस मुकदमे दर्ज थे मगर ये जानकारी मिलने के बावजूद पुलिस के हाथ अब भी खाली थे क्योंकि रोहतक जिले के जिस घर में राहुल रहा करता था उसकी मां और भाई ने उसे बहुत पहले ही घर से बेदखल कर दिया था अब पुलिस की जांच का सिरा फिर से मुंबई पर आकर अटक जाता है क्योंकि आखिरी बार उसे वहीं देखा गया था फिर आखिरकार वारदात के ठीक दस दिन के बाद चौबीस नवंबर को वलसाड के पुलिस चीफ को उनके एक मुखबिर का फोन आता है यह स्टेशन पर काम करने वाला एक हॉकर था क्योंकि हर स्टेशन पर तैनात रेलवे पुलिस और हॉकरों को राहुल की तस्वीर भेज चुके थे लिहाजा उसने उसी तरह लंगड़ा कर चलते हुए एक शख्स को बांद्रा भुज ट्रेन में सवार होते देखा उसी ने पुलिस को खबर दी पर तब तक ट्रेन चल चुकी थी रेलवे स्टेशन रेलवे पुलिस से गुजरात पुलिस ने फौरन संपर्क साधा इधर इस बीच पुलिस की एक टीम वापी रेलवे स्टेशन पर अलर्ट थी जैसे ही ट्रेन वापी स्टेशन पर पहुंचती है आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है अब राहुल गुजरात पुलिस के सामने आ चुका था उनके हाथ लग चुका था अब पुलिस को सिर्फ इसके बारे में और जानकारी निकालनी थी इससे पता करना था कत्ल के बारे में उसने कहानी सुनाना शुरू किया अब तक गुजरात पुलिस को यही लग रहा था कि उसने राहुल की शकल में एक कतिल को गिरफ्तार किया है लेकिन जब इस शख्स ने अपनी जिंदगी और अपने जुर्म के काले कारनामों की कहानी सुनाई तो पता चला कि भैया ये कतिल नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है जिसने कुल पांच कत्ल किए थे दो कत्ल उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब चौदह नवंबर को कॉलेज छात्रा के कत्ल से पहले और दो कत्ल कॉलेज छात्रा के कत्ल के बाद किए थे इनमें से कॉलेज छात्रा के कत्ल के अलावा बाकी चार कत्ल ट्रेन में किए वो भी दिव्यांगों के लिए रिजर्व डिब्बे में पर उसने ऐसा क्यों किया क्या थी उसकी पूरी कहानी तो इस बारे में अब बात करते हैं कि राहुल ने सबसे पहले 14 नवंबर को उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब हुए कत्ल की कहानी पुलिस को बताई जो कातिल है सीरियल किलर राहुल उसने उसके मुताबिक उस दिन शाम को वो रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन का इंतजार कर रहा था तभी उसे वो लड़की दिखाई दी वो कॉलेज से घर लौट रही थी लड़की को अकेले देख राहुल ने करीब 100 मीटर तक उसका पीछा किया फिर जैसे ही वो सुनसान जगह पर पहुंची राहुल ने उसे दबोच लिया फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा गला घोट कर उसे मार डाला रेप और कत्ल के बाद राहुल को प्यास लगी तो वो अपने स्वेटशर्ट और बैकपैक मौके पर ही छोड़कर वापस स्टेशन पहुंचा प्लेटफॉर्म पर दुकान से उसने जूस और दूध का पैकेट दिया फिर पीने के बाद दोबारा उस जगह पहुंचा जहां उसने रेप और कत्ल किया था इसके बाद वो एक बार फिर से उस मुर्दा लड़की के साथ जबरदस्ती करने के इरादे से जा रहा था इतफाक से उसी वक्त लड़की को ढूंढते हुए उसके घर वाले मौके पर पहुंच चुके थे उन्हें देखते ही डर कर वो वहां से भाग निकला इस तरह उसका स्वेटशर्ट और बैग पैक मौका पर मौके पर ही वारदात वाली जगह पर ही छूट गया और इसी वजह से पुलिस उस तक पहुंच भी भाई क्योंकि अगर वो वहाँ पे बैग पैक और वो सारी चीज़ें नहीं छोड़ के जाता तो इसके बारे में पुलिस को पता भी नहीं चलता पुलिस के मुताबिक राहुल ने कुछ वक्त वलसाड में एक होटल में काम किया था वहीं अपना बकाया सैलरी लेने वो शहर आया था वलसाड में रेप और मर्डर के बाद राहुल पहले मुंबई पहुंचा और फिर वहां से हावड़ा चला गया वलसाड केस के ठीक पाँच दिन के बाद 19 नवंबर को उसने कटिहार से हावड़ा आने वाली डाउन कटिहार एक्सप्रेस के दिव्यांग के लिए रिजर्व कोच में फिर एक महिला का कत्ल किया मरने वाली महिला का नाम सौमित्री सौमित्र चैटर्जी था सौमित्र की लाश एक ऊपरी बर्थ पर कंबल से ढकी मिली थी कत्ल तेज धार हथियार से किया गया था राहुल ने सौमित्र का कत्ल करने के बाद उनके गहने और करीब दस हजार कैश लूट ली है हावड़ा में कत्ल करने के पाँच दिन के बाद राहुल वहां से कर्नाटक पहुंचा कर्नाटक में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर फिर उसने एक महिला का कत्ल किया इस बार भी कत्ल दिव्यांग के लिए रिजर्व डिब्बे में किया गया था वहां से कत्ल के बाद राहुल फिर वापस मुंबई आता है जहां से आखिरकार वो जो उसके बारे में जानकारी पुलिस को मिली और वो पकड़ा गया इस पूरे मामले पर पुलिस के मुताबिक राहुल ने सीरियल किलिंग की शुरुआत 20 अक्टूबर को की थी उसने आंध्र प्रदेश के गुंडकाल गुट्टी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के डिब्बे में इसे एक महिला की लाश मिली थी महिला की लाश पहले रेप हुआ था महिला की लाश के साथ और उसका फिर उसके बाद कत्ल किया गया था यह महिला पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन में बैठी थी इत्तेफाक से इस बार भी कत्ल और रेप दिव्यांग के लिए रिजर्व डिब्बे में ही हुआ था इससे पहले कत्ल और रेप के ठीक पांच दिन बाद राहुल ने पच्चीस अक्टूबर को अपना दूसरा शिकार और महिला को मनाया था यह महिला बेंगलुरु से मुर्देश्वर जाने वाली ट्रेन में बैठी थी इस बार भी डब्बा दिव्यांगों के लिए रिजर्व वाले ही था पुलिस के सामने अब सवाल तो ये था कि राहुल ने पाँच में से चार कतल दिव्यांग वाले रेलवे डिब्बे में ही क्यों किए और उसे दिव्यांगों से ऐसी क्या दुश्मनी थी इसके लिए पुलिस ने राहुल की खुद अपनी ज़िंदगी की कहानी जाननी चाहिए दरअसल पुलिस पूछताछ में राहुल ने बताया कि बचपन में राहुल को पोलियो हो गया था जिसकी वजह से उसका बायां पैर पूरी तरह से ठीक नहीं था स्कूल में इसी वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे स्कूल के ही वक्त से राहुल का सपना था कि वो ट्रक चलाएगा उसे ट्रक पसंद था लेकिन दिव्यांग होने की वजह से उसे ट्रक ड्राइवर बनने का जब मौका नहीं मिला तो उसने गुस्से में ट्रक चुराना शुरू कर दिया इसी वजह से वो कई बार पकड़े जाने पर जेल गया जेल जाना और जमानत पर बाहर आना उसकी ज़िंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा बन चुका था वो अपराध करता ट्रक चुड़ाता जेल जाता जमानत मिलती फिर बाहर आ जाता पुलिस के मुताबिक बचपन में मजाक उड़ाए जाने और फिर जेल आने जाने की वजह से अब वो पक्का शातिर अपराधी बन चुका था लेकिन ट्रक चोरी से दिव्यांग महिलाओं का रेप और कत्ल करने की उसकी असली वजह अब भी पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई है तो ये दो कातिल थे दो सीरियल किलर थे जिनके बारे में आपको बताया इन दोनों सीरियल किलर के ऊपर आपकी जो भी राय है आपका जो भी कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके उन राय के ऊपर उन सारी सवालों के ऊपर उन सारी बातों के ऊपर अगली वीडियो में बात कर सकें बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक